आणि यासाठी एक नवीन पद्धतीद्वारे ऑपरेशन म्हणजे ज्यामध्ये आपण कुठल्या हृदयाची कुठली प्रकारची चिरफाड न करता पायामधून छोट्याशा धमनीमधून एक छोटं छिद्र घेऊन आपण ते ऑपरेशन करू शकतो आणि त्या जवळपास मे महिन्यामध्ये ऑपरेशन झालं. हे ऑपरेशनचे फायदे असे आहेत की पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये एक 2 ते 3 दिवस राहण्याची फक्त गरज पडते. त्याच्यामध्ये यांच्यावर एक 23 शस्त्रक्रिया केलेली आहे. तर नेमकं ही शस्त्रक्रिया कशी आहे, अत्याधुनिक जी शस्त्रक्रिया आहे त्याबद्दल सर थोडं काम करत असतो. याच्यामध्ये कारण याच्यामध्ये पेशंटला जी त्याचा व्हायचा नाही, तर ही एक नवीन तंत्रज्ञान. जास्तीत जास्त जे आजार आहेत ज्यामध्ये गावठी गेले आपले सर्व उपस्थित सर्व आकार पाच आंबे तुमचं घेतो घेऊ शकतो का बसून घ्या. मला हे माहित नव्हतं काय होणार काय नाही. आमचे जे खास दोस्त होते शिवाजीराव देव, शिवाजीराव देव तरुणेकर मोरे साहेबची घेऊन ते दवाखान्यात ऍडमिट झाले होते. त्यांना पाहण्यासाठी गेलो मी, त्यांच्या सगळे असं घेऊन होते. अटॅक आला म्हणजे म्हणले तू पेशंट तू आहेस का. मी किम्समध्ये मी दाखल होतो त्या दिवशी रघु यशोद हॉस्पिटल सिकंदराबाद से आया हूँ. हम नांदेड का मिस्टर ओम प्रकाश इंदानी जी का बिना सीना खोल के छाती खोल के ऑपरेशन बिना ऑपरेशन एयरटिक वॉल्व चेंज किए थे मिस्टर इंदानी साहब को. सर्जरी का हमने जो प्रोसीजर करके भी 4-5 महीना हो गया. ये ऑपरेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन कोई भी हाईएस्ट रिस्क मरीज को भी कर सकते, लोएस्ट रिस्क मरीज को भी कर सकते. और ऑपरेशन तो ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा. 1 या मैक्सिमम 2 दिन के बाद घर भी जा सकते. ये जो एयर्टिक वाल्व बदलने का ज़रूरत जिन लोगों को एयर्टिक स्टेनोसिस का बीमारी रहता है उन लोगों को ये जो प्रॉब्लम के लिए इलाज रहता है. ये एयर्टिक स्टेनोसिस बीमारी काफ़ी कॉमन बीमारी है. 70 साल के ऊपर का लोगों में, नॉट मरीजों में, 70 साल के ऊपर का लोगों में 15% लोगों में एयर्टिक स्टेनोसिस का बीमारी रहता है. लेकिन ये जो बीमारी के लिए एयर्टिक वाल्व बदलने का इलाज है, लेकिन काफ़ी सोचते हैं लोग ये ऑपरेशन कराना नहीं कराना, कराने से क्या रिस्क होता है. ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है. ये सिंपल सा ऑपरेशन है. टैवर या टैवी प्रक्रिया से ये जो एयर्टिक वाल्व बदलने के लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट मतलब जो भी हम कैसा खर्चा करते हैं वो इफेक्टिवली यूज हो जाता है. ये आपके लिए नांदेड़ का लोगों को और बाकी जो गाँवों के लोगों को ये जो चीज़ सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यशोदा का हॉस्पिटल का थ्रू हमने यहाँ पे लगा दिया. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग.